जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, भगवान को हर पल याद रखने का सर्वोत्तम तरीका आज हम आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आप भगवान को 24 घंटे याद कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, 24 घंटे यानी हर पल भगवान को याद करने के लिए आपको सबसे पहले उठते ही भगवान को याद करना है। जब भी आपकी आँख खुलें, खुलते ही तुरंत याद करना है। आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि बाथरूम जाना, उससे पहले ही उठते ही उनको याद करो, प्रणाम करो, उनको धन्यवाद बोलो, उनसे जुड़ना है आपको। जुड़ गए, उसके बाद आप उठ गए, उठ के जो भी काम करने लगो फिर उनको तुरंत याद कर लो। कहने का मतलब ये है कि जो भी दिन में कार्य करो उस समय मन से उनको याद कर लो, क्योंकि एक बार सुबह आपने उनको याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, तो दिन भर उनकी अखंड याद बनी रहे उसके लिए तो सारे कार्य करते करते आपको भगवान को मन के द्वारा या श्वासों के द्वारा या वाणी के द्वारा भगवान को याद करना पड़ेगा, तभी आपको निरंतर भगवान की याद रह सकती है। अगर कोई मन से कर सकता है तो सबसे अच्छी बात है, नए साधक हो तो वाणी से कर लो, और श्वासों से कर सकते हो तो अति उत्तम है। मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, उसमें मैंने श्वासों का बताया है कि केवल बैठत सोवत जागत, चार समय श्वासों का ध्यान कर लो तो हर पल भगवान की याद रहती है। तो आप अगर वैसे नहीं कर सकते तो इस वीडियो में जो मैंने बताया ये तरीका अपनाएं, और नहीं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, किसी ने नहीं देखी है तो वो देखें, जो तरीका जिसको बढ़िया लगे वो तरीका अपना सकता है। तो प्यारे भक्तों, जब भी आप कोई काम करें उनको एक बार श्वासों से याद करें। श्वासों का जब मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखी हैं, श्वास आती जाती श्वास के साथ भगवान के नाम को जोड़ दो, या फिर मन से, या फिर वाणी से, या फिर उपांशु जप, किसी भी तरह से उनको याद कर लो, जो साधक जिस तरह से कर सकता है। सारे दिन आपको ऐसे करना है, कुछ भी अगर काम करते हैं तो उनको पहले ज़रूर ज़रूर याद करना है। ऐसा करने से भगवान की याद तो आपको हर पल रहेगी ही रहेगी, और साथ ही साथ आपके सारे कार्य पूर्ण रूप से सफल होंगे। निसंदेह प्यारे भक्तों, आप एक हफ्ता ऐसा करके देख लो, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो मुझे कहना। लोग करते नहीं है ना, सुन लेते हैं, एक दिन अगर कर भी लिया, दो दिन कर लिया तो छोड़ देंगे, फिर भूल जाते हैं। ये भूल ही तो सबसे बड़ा हमारा दोष है, भूलना ही तो नहीं है प्यारे भक्तों, हमें याद रखना है। सारे दिन आपको भगवान को याद रखना है, कोई भी कार्य करो। फिर आपको सोते समय भगवान को याद करके सो जाना है। मन के द्वारा याद करो, श्वासों के द्वारा, वाणी के द्वारा, उपांशु, किसी भी तरह से उनको याद करो, और फिर आपका काम खत्म, आप सो जाओ। फिर पूरी रात भगवान का भजन नाम जब अपने आप ही चलता है, आप आराम से सो, फिर भक्त का भजन करे भगवान। ये कहावत आपने सुनी होगी कि मैं करूँ आराम और राम करे मेरा भजन, तो राम आपका भजन करेंगे, फिर आप सो जाओ। तो इस प्रकार आप 24 घंटे हर पल भगवान को याद रख सकते हैं, और आपके कार्य पूर्णतः सफल होंगे। और आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह आप कोई गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलती होने देगा नहीं। जब भगवान को आप हर पल याद करेंगे तो कोई गलती होने का तो फिर चांस है ही नहीं प्यारे भक्तों। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, इस तरीके को अपना के भगवान को आप हर पल याद रख सकते हैं, और अपने जीवन में सभी कार्यों में सफलता पा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा हमारा मनुष्य जन्म लेने का जो उद्देश्य है, भगवान प्राप्ति, ऐसा अभ्यास करने से भगवान की प्राप्ति भी अति शीघ्र और सहज ही हो जाती है प्यारे भक्तों। अभ्यास करने से आरंभ में यदि आपके कामों में थोड़ी बहुत कुछ देर भी हो, क्योंकि जब कई मनुष्य बोलते हैं हम काम करते हैं भगवान को याद करते हैं तो काम धीरे होते हैं, तो थोड़े से दिन कोई बात नहीं, काम धीरे होंगे तो होने दो, अभ्यास के बाद काम भी जल्दी होंगे, क्योंकि नाम उसका साथ है। तो प्यारे भक्तों, आप इस तरीके को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जो ये मनुष्य जन्म अनमोल आपको मिला है,
ये फिर पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने अरबों करोड़ों सालों के बाद मिलेगा। और अगर आप चाहते हो अगला ही जन्म मनुष्य जन्म मिल जाए तो प्यारे भक्तों भगवान की भक्ति कर लो, उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है दोबारा मनुष्य जन्म लेने का। तो प्रेमी भक्तों आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।